Hello everyone, this is Sunil Malvi, Assistant Professor in CSIT Department, SIRT, Bhopal. Today we will discuss about the topic is Discastra Algorithm. In Discastra Algorithm, it is very useful algorithm for the shorting uh, routing algorithms. So short route find out with help of the दो नोट के बीच में शोटेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है और राउटिंग एल्गोइथम बेसिकली है अगर हम करते हैं, तो उसके लिए तीन कैटेगरी होती है

तो डिस्कास्टा एल्गो दिस एल्गो टू कैलकुलेट एंड फाइंड दिटवीन दिवन इन ए ग्राफ ओके तो इसका मतलब ये है कि कोई एक स्टार्टिंग नोट रहेगा उस स्टार्टिंग नोट से बाकी सारे नोट के बीच में एक शोर्टेज पाथ फाइंड आउट करते हैं जिसको हम वेट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं ठीक है सो इन नेटवर्क द वेट्स आर गिवन बाय लिंक स्टेट पैकेट्स एंड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन सच एज हेल्थ ऑफ द राउटर्स ट्रैफिक कॉस्ट एंड एक्सेट्रा तो डिस्कस ट्रायल गई तो बेसिकली जो लिंक स्टेट पैकेट्स जो है उनको ट्रेवल करवाता है विथ हेल्प ऑफ द आ, के बेसिस पे और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं या कंटेन करते हैं लाइक like, uh, किस राउटर कुछ रूट को हम फॉलो करना चाहते हैं उसका ट्रैफिक कॉस्ट क्या होगा ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं नोड इज मार्क एंड टू द पाथ इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट एंड द सोर्स नोड इज द शॉर्टेस्ट हम उस पर्टिकुलर नोड को मार्क करते हैं या एड करते हैं जो हमारे सोर्स नोड से पर्टिकुलर नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को कंसिडर करता है ठीक है तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि डिस्कास्टर एल्गोरिथम बेसिकली कैसे काम करता है और इसका यूज कैसे किया जा सकता है ओके सो ये एक एग्जाम्पल है इसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के अंदर हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे अराउंड सेवन नोट है जिसकी मार्किंग हमने किया हुआ है जीरो से लेकर जीरो फोर फाइव सिक्स ये सब नोट्स कहलाएंगे तो इस नोट में से हमने जो जीरो नंबर का जो नोट है उसको हमने एज अ सोर्स नोट मान लिया एंड रिमेनिंग जो नोट्स है वो हमारे डिस्टेंस नोड जो जिनके बीच में हमें शोटेज पाथ फाइंड करना है कहां से स्टार्टिंग नोड जो सोर्स नोड हमारा जीरो है ठीक है तो इसके साथ में एक टेबल भी हमें देखने को मिल रही है कि जब हम जीरो नोट से जीरो नोट पे जाते हैं तो हमारी जो डिस्टेंस है वो जीरो होती है तो सुबह एक बात है कि हम अपने पर्टिकुलर नोट से ही उसी नोट पे अगर हम जाना चाहेंगे तो बात है कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा सो so, इसका मतलब यह है कि वो जीरो डिस्टेंस रहेगा बाकी सारी डिस्टेंस जो है वो हमने वेट्स के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है जैसे जीरो से वन के बीच में अगर हम वेट की बात करें तो टू दिया हुआ है जीरो से अगर टू की बात करे तो यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है वो सिक्स दिया हुआ है तो सिमिलरली ऐसे इस पर्टिकुलर नेटवर्क इस ग्राफ के अंदर हमें दो नोट जो है उन दोनों नोट के बीच में हर एक दो नोट के बीच में हमें वेट्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे अगर हम जीरो नोट से ही जीरो नोट पे अगर हम जाएंगे तो हमारी जो डिस्टेंस रहेगी वो जीरो रहेगी बाकी सारे नोट्स के लिए इनिशियल स्टेट में सारे नोट्स के लिए जो डिस्टेंस रहेगी वो इन्फिनी रहेगी क्योंकि हमने अभी सॉर्टेड रूट फाइंड आउट नहीं किया है सोर्स नोट से तो सोर्स सोर्स नोट हमारा जो रहेगा वो जीरो नोट रहेगा बाकी सारे नोट जो रहेंगे वो हमारे डेस्टिनेशन नोट रहेंगे तो डेस्टिनेशन नोड अगर वन पे अगर मैं जाना चाहता हूं ठीक है तो तो हम देख सकते हैं कि जीरो से जीरो नोट से वन नोट पे भी जा सकते हैं और जीरो नोट से हम टू नोट पे भी जा सकते हैं ओके तो यहाँ पे जीरो से वन पे जाने का जो डिस्टेंस है वो टू है जो इसका वेट दिया हुआ है उसी को हमने यहाँ डिस्टेंस के फॉर्म में टू ले लिया सिमिलरली जीरो से टू के बीच में अगर हमें जाना चाहता हूँ मतलब जीरो हमारा जीरो से अगर हमें टू पे जाना है तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी सिक्स हो जाएगी ठीक है अब हम इसमें से मेजर करते हैं हम कंसिडर करते हैं कि जीरो से वन होते हुए हम ट्रेवल करें क्यों क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो टू है मतलब जो वेट है वो लेस देन है एज कंपेयर टू सिक्स मतलब टू से लेस टू जो है लेस देन है किससे सिक्स से, से. इसलिए हम जीरो से वन को प्रेफर करते हैं तो जीरो से वन को प्रेफर करते हैं तो जीरो से वन पे जाने का डिस्टेंस है वो टू है ओके okay? तो इसको हमने स्टार मार्क कर दिया कि हम इस रूट को फॉलो कर रहे हैं अब हम कहाँ पे आ गए हैं नोट नंबर वन पे तो नोट नंबर वन से हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं तो नोट नंबर वन से फिर से जीरो पे जाएंगे बात वही की वही है डिफरेंस कुछ नहीं आगे कहाँ जा सकते हैं जो जीरो से थ्री पे जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा कोई और है? इसके अलावा कोई और भी हमारे पास में पाथ नहीं है मतलब हमें जो नेबर नोड जो है वन का वो है थ्री ओके तो वन से हम कहाँ तक जा सकते हैं थ्री पे तो वन से थ्री पे जाने का टोटल जो डिस्टेंस है या रेट है वो कितना है फाइव है बट हम हमारा सोर्स नोट क्या है जीरो तो यहाँ पे जो टेबल हम लेके चल रहे हैं वो टेबल सोर्स नोट से बाकी जो रिमेनिंग नोट है उनके बीच में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं विध हेल्प है ऑफ द गिवन वेट्स ठीक है तो जीरो से थ्री के बीच में टोटल वेट कितना हो जाएगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है जैसा जीरो से वन पे जा रहे हैं तो टू वन से थ्री पे जा रहे हैं तो फाइव तो टोटल तो तो कितना हो जाए टू तो प्लस फाइव मतलब सेवन ठीक है तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि सेवन हमने लिख दिया ये डिस्टेंस जो लिया है ये जीरो नोट से लेके थ्री नोट के बीच में ओके अब हम प्रिफर करते हैं मान लो जीरो से टू वाला पाथ अगर हम लेते हैं तो जीरो से टू पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है सिक्स दिया हुआ है से से फिर टू से थ्री पे जाएंगे तो टोटल वेट जो है वो जो वेट दिया हुआ, एट दिया हुआ है तो जीरो से अगर थ्री पे जाएंगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा फोर्टीन हो जाएगा ठीक है तो फोर्टीन इज मोर देन सेवन होगा तो हमारे पास में सेवन जो है वो स्मॉलेस्ट वेट है इसके बीच में जीरो से थ्री के बीच में मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ uh, की बात करते हैं तो जीरो से थ्री के बीच में हम किसके थ्रू जाएंगे जीरो वन एंड थ्री के थ्रू क्यों क्योंकि ये हमारा जो डिस्टेंस है ये मिनिमम मतलब एज कंपेयर टू जीरो टू थ्री से जो वेट है उस वेट से मिनि मतलब लेस uh, देन है छोटा है उससे ओके? अब हम आगे चलते हैं अभी हमने फोर पे नहीं गए हम पे नहीं गए अभी हम पे गए, इसलिए हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है, वो इंफिनिटी के फॉर्म में दिया हुआ है ठीक है आगे कैलकुलेट करते हैं जैसे अब मान लो हम थ्री पे आ गए थ्री पे कैसे आएंगे जीरो वन थ्री क्यों क्योंकि हमने जो वेट कंसिडर किया हुआ है ये मिनिमम वेट है अदर रूट के पे जो वेट है वो कम आ रहा है इसलिए हम जीरो वन, थ्री वाले रूट को कर रहे हैं। थ्री से हम किस पे जा सकते थ्री से हम फाइव पे जा सकते हैं थ्री से हम फोर पे जा सकते हैं ठीक है तो मान लो यहाँ पे फोर पे जा रहे हैं ठीक है तो टोटल वेट थ्री तक कितना था सेवन था आगे जो वेट है थ्री से फोर्थ तक का वो वेट कितना दिया हुआ है टेन तो टोटल वेट कितना हो जाएगा जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं जीरो आ, सोर्स नोट से फोर्थ नंबर वाले नोट पे अगर जाने का जो हम वेट देखेंगे वो टोटल आ जाएगा सेवनटीन ओके नाउ सेवनटीन अगर हमारा आ गया है फोर्थ नोट पे जाने के लिए तो फिफ्थ नोट पे जाने के लिए टोटल वेट कितना होगा भैया तो भाई टोटल वेट आ रहा है यहाँ पे जीरो से वन टू थ्री फाइव सेवन हो गया थ्री से फाइव पे जाएंगे तो फिफ्टीन तो सेवन प्लस टू ट्वेंटी टू ठीक है तो आगे हम देखते हैं कि अगर जीरो जीरो से अगर हमें फाइव पे जाना है तो वेट कितना आ रहा है ट्वेंटी टू आ रहा है जीरो से अगर हमें फोर पे जाना है तो वेट कितना आ रहा है सेवनटीन आ रहा है अगर जीरो से अगर हम फाइव पे जाते हैं दूसरे रूट के थ्रू मतलब थ्री फोर फोर से फिर फाइव पे अगर हम जाएं या फोर से सिक्स पे जाए सिक्स से फिर फाइव पे जाए तो वेट ज्यादा आ रहा है to, uh, जो 3 5 पे जाने से, इसलिए हमने जो जो मिनिमम वेट आ रहा है वो आ रहा है थ्री टू फाइव तक जाने की नाउ सिमिलरली अगर हमें सिक्स तक पहुंचना है तो सिक्स तक जाने का जो पाथ रहेगा हमारा यहाँ पे फोर्थ पे आने पे सेवनटीन वेट था तो फोर्थ से फाइव के थ्रू भी जा सकते हैं और फोर से डायरेक्ट सिक्स पे भी जा सकते हैं तो यहाँ पे वेट जो है टू दिया हुआ है तो फोर तक वेट जो आ रहा है 17 आ रहा है तो सेवनटीन प्लस 2 अगर हम करते तो टोटल कितना हो जाएगा 19. तो इस इस से इसी साथ से हिसाब हम हम हर एक नोट के बीच में मतलब हमारा एक सोर्स नोट हमने डिसाइड कर लिया उससे बाकी जितने भी रिमेनिंग नोट है उनके बीच में हम क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे जो इन नोट्स के बीच में वेट्स दिया हुआ रहेगा तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डिस्कस टाइल को तो कैसे वर्क करता है थैंक यू सो मच